राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की टीम खुश है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अब खतरे में है यहाँ से, क्योंकि उधर अगर हम देखें तो कांग्रेस तेलंगाना में जीत रही है, जहां पे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे। मध्य प्रदेश और पूरी हिंदी पट्टी में तो कांग्रेस का सफाया ही हो गया है। इंडिया अलायंस का भविष्य भी खतरे में है। एक चीज जोड़ रहा हूं मैं, अमीश, एक चीज आचार्य जी, एक चीज मुझे लगता है कि कांग्रेस की हार से इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है, संभवतः, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस जीतती तो फिर वो मुश्किल हो रही थी दूसरी पार्टियों को। आज यहाँ प्रियंका जी भी है, समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है, चालू पार्टी से लेकर चिरकुट तक। तो कांग्रेस का हारना इंडी गठबंधन अलायंस के लिए शायद बेहतर नहीं होगा, आचार्य जी? देखिए अमन जी और अमीश जी, एक तो हमारी पार्टी हार रही है तो मैं बड़ा सदमे में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस समय, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद थी। ये अलग बात है कि मैं हर हफ्ते ये बात कह रहा था, लगातार कह रहा था कि भाई सनातन का विरोध मत करो। मैं कह रहा था कि आप भाजपा से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, लेकिन आप भगवान राम से मत लड़ो। मैं रोज़ कहता था ये बात, और मैं ये भी कहता था कि प्रधानमंत्री भारत का होता है, वो सिर्फ भाजपा का नहीं होता। प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, प्रधानमंत्री का सम्मान करो। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करना बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ अमीश देवगन जी, वो ये है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुत्व से चिढ़ते थे, उन्होंने हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देना शुरू किया। तो देश की जनता में ये मैसेज गया कि ये जाति या जनगणना और जातिवाद की जो राजनीति हो रही है, ये कांग्रेस की मूल विचारधारा के खिलाफ है। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, ये जातिवाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इसलिए उठाया जा रहा है कि हिंदुत्व को कमज़ोर करना, हिंदुओं को स्प्लिट करना, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला हुआ। तो ये बातें जो है, आचार्य जी, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी भी हैं? चलिए आज मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या ऐसे नेताओं में राहुल गांधी खुद शामिल हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो भी बोल चुके हैं हिंदुत्व मारने काटने का नाम। देखिए अमन जी, राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही निर्मल हृदय इंसान हैं। उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको गलत फीडिंग देते हैं, उन्हें गलत पट्टी पढ़ा देते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बर्बाद किया है। तो मैं राहुल गांधी जी को दोषी नहीं मानता। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट था, मतलब जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं वहां पर तो था वोट, वहां पर सब सीटों में बीजेपी जीत रही है, समाजवादी पार्टी वहां पर कंपीट करती हुई दिख रही है। क्या 5 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी वहां पर लड़ने के लिए? अगर वहां देती तो क्या आपको लगता नहीं है, हालांकि जिस तरह की सुनामी है मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की, कोई बड़ा फायदा नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल एरोगेंस इतना था कि वो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रही थी कुछ? जबकि अखिलेश यादव ने, यही अखिलेश यादव थे 2017 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने आपको 100 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए, कांग्रेस की हैसियत क्या थी तब? नहीं अमीश देवगन जी, अखिलेश यादव जी को सीटें दी जा सकती थी और दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये हार सिर्फ इस वजह से नहीं है। आज अखिलेश यादव जी बड़े खुश होंगे कि बीजेपी जीत गई मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं अखिलेश यादव जी को समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी नेचर भी समझता हूँ। वो कमलनाथ जी ने जो अखिलेश कहा उसको बड़े दिल पे ले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस नहीं हारी है। कांग्रेस की जो हार हो रही है वो सनातन का विरोध, सनातन तो का श्राप ले बैठा है। मैं कह रहा था कि जब नेता, इतनी खराब जो कुछ थी, नेता तो आप अमीश देवगन बात को सुनिए, मुझे पूरी करने दीजिए। डूबते को तिनके का सारा अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी को खुद पता था आपकी क्या खराब स्थिति। मैं तो कह रहा हूँ, सुनिए 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 पहली बात, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज इस चुनाव में नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात, ये फैसले ही गलत थे कि आप हमें गाली दें, हम आपको गाली दें राज्य में, और केंद्र में हम एक होंगे, तो देश की जनता ने सोचा कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ मोदी को हटाने के नाम पर हम एक हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन पॉलिटिक्स करेंगे या इन द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ पॉलिटिक्स करेंगे? तो सवाल इस बात का है, मुझे जो मेन कारण नजर आ रहे हैं, पहला कारण है जातिवाद की राजनीति को देश ने नकार दिया। मुख्तार